एक्टिव और अलर्ट युवा। अब एक्चुअली तो जब हम युवा शब्द बोलते हैं तो युवा शब्द में ही वो एनर्जी है जो एक्टिव और अलर्ट बना देती है। अगर कोई युवा एक्टिव और अलर्ट नहीं दिखे तो लोग उसको क्या कहेंगे? लगता है बूढ़ा हो गया है। और अगर कोई बूढ़ा भी एक्टिव और अलर्ट होता है तो क्या कहते हैं? ये तो जैसे कि अभी युवा है। युवा माना ही एक्टिव और अलर्ट, और एक्टिव और अलर्ट माना ही युवा। उसमें शरीर का या शरीर की उम्र का वो जो है कोई खास विशेष उसका महत्व उसमें नहीं रहता है। फिर भी जब ये विषय है तो मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको कुछ शेयर करना चाहूंगा कि ये एक्टिव और अलर्टनेस कैसे रह सकती है। हमारी आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, जो करीब करीब 96-97 इयर्स के हो चुके हैं और प्रतिदिन हमें शांतिवन डायमंड हॉल में मुरली सुनाते हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे? एक्टिव कहेंगे ना। एज शारीरिक एज 97 है, लेकिन फिर भी एक्टिव यूथ हैं वो। तो इसी प्रकार से अगर हमें एक्टिव और अलर्ट बनना है तो दो प्रकार से हमें इक्विप्ड होना पड़ेगा, फिजिकली और मेंटली। अगर हम दोनों प्रकार से इक्विप्ड रहते हैं तो हम एक्टिव और अलर्ट रह सकते हैं। हालांकि उसके छोटे छोटे विस्तार बहुत है, लेकिन मैं मुख्य रूप से दो चीजों को कवर करना चाहूंगा। जहां तक शारीरिक रूप का सवाल है तो दुनिया में तो लोग अनेक प्रकार के अलग अलग साधन अपनाते हैं एक्टिव और अलर्ट रहने के लिए। उसमें कुछ जायज होते हैं, कुछ नाजायज होते हैं, कुछ लीगल होते हैं, कुछ इलीगल होते हैं। लेकिन बाबा ने, परमात्मा पिता ने भी शारीरिक रूप से अलर्ट रहने के लिए अलग अलग मुरलियों में तीन मुख्य आधार बताए हैं शारीरिक रूप से। एक है भोजन, दूसरा है दिनचर्या और तीसरा है व्यायाम। भोजन से ये शरीर बना है और एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। अगर शरीर बीमार रहता है तो हम चाहना होते हुए भी बहुत ज्यादा एक्टिव या अलर्ट नहीं रह सकते हैं, लेकिन शारीरिक व्याधियों को हमें पहले ठीक करना ही पड़ता है। उस बीमारियों को जब तक ठीक नहीं कर लेते तब तक हमारा एक्टिवनेस जो है वो इतना नहीं रहता है जितना हम चाहते हैं। तो हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? परमात्मा पिता ने तो हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से शुद्ध शाकाहारी और उसमें भी तामसिक भोजन को मना किया है। और बहन जी ने मेरे परिचय में बताया कि एक पुस्तक भी हमने लिखी है, सदा स्वस्थ जीवन। तो सदा स्वस्थ जीवन होने के कारण उस पुस्तक में हमने विशेष रूप से भोजन के बारे में ही काफी विस्तार से लिखा है कि हम केवल अपने भोजन को संतुलित करके, ठीक करके, सुधार करके, उसमें शक्ति भर के शरीर के सारे रोगों को हम ठीक कर सकते हैं।
केवल भोजन में सुधार करके। ये संभव है, मेरे अपने खुद के किए हुए प्रयोग हैं और सैकड़ों ने हजारों भाई बहनों ने भी उसको अपनाया है। और किसी भी एज में जब उस भोजन प्रथा को अपनाते हैं तो शरीर में एकदम चुस्ती आ जाती है, सुस्ती भाग जाती है, चुस्ती आ जाती है। तो हमारा भोजन सात्विक और प्रकृति के नियमों के अनुकूल और ज़्यादातर प्राकृतिक चीज़ों को उसी रूप में, जिस रूप में प्रकृति उन्हें हमें दे रही है, उसी रूप में अगर हम लेते हैं तो भी मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये भोजन जो है ये एक्टिव और अलर्ट रहने के लिए बहुत ही मददगार बन सकता है। तो ये आपको एक तो ध्यान में रहे कि अगर हमको एक्टिव और अलर्ट बनना है तो भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, दिनचर्या। दिनचर्या में हमको परमात्मा पिता ने सवेरे 3:30 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक की दिनचर्या बहुत ही क्लियर कट हमको समझाई है कि कैसे सुबह जल्दी उठने से हमारा मन तंदुरुस्त रहता है, हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं और दिन भर जो हमारी शेड्यूल बनाई हुई होती है जिसमें मेडिटेशन का भी समय होता है, स्व अध्ययन का भी समय होता है, भोजन का भी समय होता है, हम जो कामकाज करते हैं, सेवाएं करते हैं, उसका भी उसमें समय होता है और विश्राम का भी समय होता है। शारीरिक रूप से विश्राम देना भी बहुत ज़रूरी है। शारीरिक रूप से अगर युवा शरीर है तो उमंग उत्साह ज़्यादा होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है और उस एनर्जी में हम होश खो देते हैं, जोश इतना होता है कि होश खो देते हैं, लेकिन हमें परमात्मा पिता ने जोश और होश दोनों में बैलेंस रखने की बात कही हुई है। तो हमको बैलेंस रखना है दोनों में और बैलेंस रखकर हम एक्टिव और अलर्ट रह सकते हैं। मैं ये जो शारीरिक रूप से जो साधन है उसकी ज़्यादा चर्चा में नहीं करूँगा, केवल जस्ट आपको टच कर रहा हूँ कि इतनी चीज़ें ध्यान उसमें रखनी चाहिए। और तीसरा, व्यायाम। व्यायाम तो बहुत ही ज़रूरी है इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और इस शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। और वैसे भी जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की और पूरे विश्व में एक योग की अलख जगाई, तब से विशेष योग के प्रति सबकी रुचि भी बढ़ी है और सभी युवाएं किसी न किसी रूप में योग अभ्यास करते भी हैं और जरूरी भी है, चाहे उसमें पैदल चलना हो या शारीरिक कसरतें हो। हालांकि लोग आजकल और विशेष युवा भाई बहने जिम में जाने का बहुत पसंद करते हैं और जिम जो है वो ज्वाइन करते हैं, पैसा खर्च करके भी जिम में जाते हैं, पर मैं समझता हूँ कि एक नियमित और जो हमारे अष्टांग योग में जो व्यायाम बताया है अगर उसका भी हम प्रयोग करते रहें तो भी शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं, यह काफ़ी कुछ संभव है। तो ये तो हो गया शारीरिक, पर हमारा मेन फोकस मानसिक पर रहेगा। शारीरिक तो अति जरूरी है ही, लेकिन मैं जो विस्तार से थोड़ा आपके साथ शेयर करूंगा वो मानसिक रूप से, कि हम मानसिक रूप से कैसे अलर्ट और एक्टिव रहें। सबसे पहली बात कि हमें सपने देखने हैं, सपने संजोने हैं। मैं उन सपनों की बात नहीं कह रहा हूं
जो रात को सोने के बाद हम देखते हैं, लेकिन मैं उन सपनों की बात कर रहा हूँ जो हमें सोने नहीं देते हैं। हमारे जीवन का एक सपना होना चाहिए, उसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमारे जीवन का एक लक्ष्य है तो वो लक्ष्य हमें सदा ही एक्टिव और अलर्ट रखेगा। वह लक्ष्य हमें आलसी और अलबेला नहीं बनने देगा। मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब ज्ञान मार्ग में आया उसके पहले भी, जैसा बहन जी ने परिचय में बताया कि मैं सन्यासी बनने जा रहा था, तो एक लक्ष्य था मेरे मन में, इसलिए मैं सन्यासी बनने जा रहा था। और वो लक्ष्य था कि मुझे परमात्मा पिता का साक्षात्कार करना है। जिस भगवान को मैं बचपन से याद कर रहा हूँ वह भगवान कहीं तो होगा, तो मुझे उसका साक्षात्कार करना है। ये मेरे जीवन का लक्ष्य था और उसके कारण से मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव और अलर्ट था और मैं सन्यासी बनने जा रहा था। और जब परमात्मा पिता ने मुझे अपनी गोद में लिया, मुझे 7 दिन का राजयोग का कोर्स करवाया और उस कोर्स के द्वारा जो मेरे भक्ति की आश थी कि मुझे परमात्मा पिता का साक्षात्कार हो, भगवान का साक्षात्कार हो, तो अब तो साक्षात्कार ही नहीं, वह साक्षात मुझे मिल गया, यह मुझे अनुभव हुआ। 5वें दिन जब राजयोग का कोर्स कर रहा, 5वें दिन मुझे यह अनुभव हुआ कि स्वयं परमात्मा पिता मेरा है और मैं स्वयं परमात्मा पिता का हूँ और मैं ज्योतिबिंदु आत्मा यहाँ भ्रिकुटी के मध्य रहने वाला हूँ, इसका बहुत स्पष्ट रूप से मुझे साक्षात्कार हो गया, मतलब अनुभव हो गया। साक्षात्कार मतलब और कोई साक्षात्कार नहीं, लेकिन ज्ञान के द्वारा अनुभव होना कि हाँ वही मैं हूँ, और जीवन में एक लक्ष्य निश्चित किया। जब 7 दिन का कोर्स पूरा हुआ, 8वें दिन मुझे मुरली क्लास में आने को कहा। मैंने गीता पाठशाला पर कोर्स किया था, मैंने ब्रह्मा कुमारी टीचर्स बहनों को नहीं देखा था, एक डॉक्टर भाई थे उन्होंने मुझे कोर्स करवाया। तो मैं संस्था के बारे में भी ज़्यादा नहीं जानता था और न मैंने सेंटर देखा था, न मैंने बहनों को देखा था। पर 8वें दिन जब मैं मुरली क्लास में आया तो मुरली के बाद वो भाई ने मुझे आगे संदली पर बुला के कहा, अब अपना परिचय दीजिए। तो मैंने अपना परिचय दिया कि शरीर का नाम ललित है, ये पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, CA पढ़ रहा था उस समय में, वो परिचय दिया। फिर उस भाई ने मुझे पूछा, अभी आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? ये प्रश्न उन्होंने मुझे 8वें दिन पूछा। और उस दिन जो मैंने जवाब दिया, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, एक निश्चय के साथ, जिसमें मुझे 100% फेथ था और आज भी है, और मैंने यही जवाब दिया कि मैं सतयुग में पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ उनका जो बेस्ट फ्रेंड है वो मैं बनूंगा, वो पार्ट मैं प्ले करूंगा, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। और वह लक्ष्य मुझे सोने नहीं देता है, वह लक्ष्य मुझे बैठने नहीं देता है, वह लक्ष्य मुझे आलसी और अलबेलेपन से मुक्त रखा हुआ है। जब भी कुछ ऐसी बात आती है तो वो लक्ष्य मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है कि क्या बनना है, और वही मेरे लिए एक ईंधन का काम करता है, फ्यूल का काम करता है। जैसे कार में चलाने के लिए पेट्रोल जरूरी होता है, ऐसे ही ये जो जीवन का उद्देश्य है ये एक फ्यूल है, मेरे जीवन रूपी कार का ईंधन है, पेट्रोल है, जो मुझे सदा ही आगे बढ़ाता रहता है। और इस लक्ष्य के कारण मैं भले पाठशाला में ज्ञान लिया था, फिर थोड़े समय बाद ही मैं बाबा से रूरियान करता था कि बाबा लक्ष्य तो रखा है कि श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में
आना है और उनके प्रिय सबसे प्रिय सखा के रूप में आना है। लेकिन मैं तो एक पाठशाला में क्लासेस कर रहा हूँ और श्री कृष्ण तो विश्व महाराजन बनेंगे, नारायण बनेंगे, चक्रवर्ती बनेंगे, सारे विश्व के साथ उनका कनेक्शन है। अगर मुझे भी उनके साथ पार्ट प्ले करना है तो मुझे भी तो सारे विश्व के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। पर अभी तो मैं पाठशाला में हूँ, सारे विश्व के साथ कैसे कनेक्ट होना है मुझे पता नहीं है। आपको जैसे भी कनेक्ट करना हो आप हमको बताना कि उस प्रकार से हम कनेक्ट करेंगे, होंगे, जैसा आप पार्ट प्ले कराएंगे वैसा हम करेंगे कठपुतली बनकर। और वो लक्ष्य, वो मुझे आगे बढ़ाते 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 आज मधुबन में एक विशेष सेवाधारी के रूप में स्थापित कर दिया कि जहाँ केवल भारत की ही सभी सेंटर की इंचार्ज बहने नहीं परंतु विश्व की सभी सेवा स्थानों की इंचार्ज बहनों के साथ मुझे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया और मुझे विश्व सेवाधारी बना दिया, ताकि भविष्य में विश्व महाराजन चक्रवर्ती श्री नारायण जी के साथ पार्ट प्ले कर सके। लेकिन इस लक्ष्य की स्मृति से हमारे जीवन में क्या आता है वह जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कि अगर बहुत बड़ा समुद्र हो और उस समुद्र के बीच में एक नाव, और उस नाव में आपको बिठा देवे और आपको कहे कि ठीक है आप अपनी यात्रा शुरू कीजिए समुद्र के बीच में, लेकिन आपको मंजिल नहीं बताए कि आपको कहाँ जाना है, वो मंजिल आपको नहीं बतावे, केवल इतना ही बता देवे कि आप अपनी यात्रा शुरू कीजिए। अब आप ही बताइए कि आप अपनी यात्रा कैसे शुरू करेंगे, आप कहाँ तक जाएंगे, ये आप बताइए। अगर आपको कोई मंजिल नहीं दी हुई हो तो आप कहाँ तक जाएंगे, कैसे जाएंगे? और अगर आपको मंजिल बता दी जाए कि आपको वहाँ पहुँचना है तो चाहे कितने भी तूफान आएंगे, चाहे कितनी भी परीक्षाएं आएंगी, चैलेंजेज आएंगे, परंतु आपके जीवन का लक्ष्य या आपके नाव को पहुंचने की मंजिल आपके सामने फिक्स है तो उन तूफानों को भी पार करते हुए आप वहां तक चले जाएंगे। भले कभी धीरे चलेंगे, भले कभी नाव हिलेगी डुलेगी, लेकिन धीरे धीरे करके भी आप मंजिल तक अवश्य पहुंच जाएंगे अगर आपके सामने लक्ष्य है तो। अगर लक्ष्य नहीं है तो क्या होगा, जहां हवा और लहरें आपकी नाव को ले जाएगी, कभी पूर्व दिशा की ओर, कभी पश्चिम दिशा की ओर, कभी उत्तर दिशा की ओर, कभी दक्षिण दिशा की ओर, जहां लहरें चलेंगी आपकी नाव उस दिशा में जाएगी, आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे, उस समुद्र में ही गोते लगाते रहेंगे। तो हमारे जीवन रूपी समुद्र में भी, इस महासागर में भी, अगर हमारे जीवन का लक्ष्य हमारे सामने निश्चित है तो वह लक्ष्य हमें सदा ही एक्टिव और अलर्ट रहेगा। तो जो शारीरिक रूप से हमने तीन चीजें देखी, वही तीन चीजें मानसिक रूप से भी जरूरी है और आत्मिक रूप में भी उन्हीं का अभ्यास हमको करना है, परहेज करना है, ध्यान रखना है, तो हम सदा अलर्ट और एक्टिव रह सकेंगे। पहला है भोजन, शरीर का भोजन का देखा, मन का भोजन कैसा लेना है। हमारा मन का भोजन शुद्ध संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प, प्योर एंड पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स, ये हमारे आत्मा का भोजन है। क्योंकि जैसा हम भोजन लेंगे, विचारों रूपी भोजन लेंगे, उसी प्रकार से आत्मा की स्थिति बनेगी, उसी प्रकार से हम निर्णय भी लेंगे, हमारे संस्कार भी बनेंगे। अभी भोजन, ये विचार कहाँ से आते हैं,
तो हमारे शरीर में जो पांच इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इन पांच इंद्रियों के द्वारा जो भी अंदर सूचनाएं जाती है, जो सूचनाएं अंदर जाती है वो हमारा भोजन बनता है, आत्मा का भोजन। सवेरे उठते ही न्यूज़पेपर, चाहे प्रिंटेड न्यूज़पेपर देखा, चाहे मोबाइल में समाचार देखा, टीवी में समाचार देखा, तो आंखों के द्वारा और कान के द्वारा वो सूचनाएं अंदर गई और वो हमारा भोजन बन गया। किसी मित्र संबंधी से मिले, उनका फोन आया और उनके द्वारा जो हमें समाचार मिला वह हमारा भोजन बन गया। इसी प्रकार से हमने किसी चीज को स्पर्श किया और उस स्पर्श करने से जो सूचना मिली वो हमारा भोजन बन गया। हमने कोई चीज चखी, स्वाद लिया, गुलाब जामुन खाया, जलेबी खाई और वो विचार हमारा उस दिन का भोजन बन गया और वो उससे संबंधित हमको विचार चलने लगे कि इसके पहले कब खाई थी, इसके बाद कब खाएंगे, कौन अच्छी बनाता है, किसने कब अच्छी बनाई थी, कहाँ का गुलाब जामुन सबसे अच्छा है, उस प्रकार के विचार चलने लगेंगे। तो इन पांच इंद्रियों के द्वारा, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इनके द्वारा अगर हम इनपुट को बहुत अच्छा बना देंगे, इनके द्वारा विचारों का जो अंदर जाने का प्रवाह है उनको हम प्योर बना लेंगे, सकारात्मक बना लेंगे, तो आत्मा बहुत पावरफुल बन सकेगी, इसकी पूरी पूरी संभावना पैदा हो जाती है। लेकिन अगर हमारी इनपुट गलत है तो इनपुट गलत होने के कारण आत्मा भी कमजोर बन जाएगी। अगर भोजन जो है वो हम फास्ट फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, तो शरीर कमजोर होगा, और इसी प्रकार से नकारात्मक और व्यर्थ भोजन लेंगे विचारों का, संकल्पों का, तो आत्मा भी कमजोर हो जाएगी, आलसी और अलबेली हो जाएगी। अरे आप केवल किसी को इतना ही सुना देंगे कि आज तो मुरली सुनने की इच्छा नहीं हो रही है, थोड़ा सिर भारी लग रहा है, अगर ये बात भी आपने किसी को सुना ही ना तो सुनने वाले की भी एक बार तो इच्छा खत्म हो जाएगी, चलो छोड़ो आज मैं भी छोड़ देता हूं। मुझे रतन मोहिनी दादी जी की एक बात याद आती है कि कैसे हमारे जीवन में अगर हम अपने संकल्पों में दृढ़ रहते हैं और अपने नियमों में पक्के रहते हैं तो हमें कितना बल मिलता है। एक बार मैं जब पांडव भवन में रहता था, वहां सेवाएं करता था, तो रतन मोहिनी दादी जी को आंख का ऑपरेशन, कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था और वो अहमदाबाद में ऑपरेशन करा के आई थी और आंखों पर काला चश्मा पहन के ऑफिस में भी बैठती थी या किसी से भी मिलती थी। तो मुरली क्लास, दूसरे दिन मुरली क्लास में दादी जी पहुंच गई। मुरली तो शशि बहन जी पढ़ रही थी, लेकिन दादी जी सामने नीचे जहाँ सभी भाई बहने बैठते हैं वहाँ सोफे पर बैठ गई। शशि बहन जी ने कहा, दादी ऊपर आइए, आप ऊपर बैठिए। कहा, नहीं नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ, आप मुरली पढ़िए। फिर जब मुरली क्लास पूरा हुआ, दादी अपने ऑफिस में गई, मुझे भी थोड़ा काम था तो मैं दादी के पास गया। तो मैंने दादी जी को पूछा, दादी जी जो मुरली आज आपने सुनी, हम सब ने सुनी, वो तो साकार में भी आपने बाबा के से डायरेक्ट बाबा के श्रीमुख से आपने सुनी, उसके बाद भी सैकड़ों बार ये मुरली आपने सुन ली होगी, पढ़ ली होगी, और आज भी आप चाहते तो अपनी ऑफिस में या अपने रूम में भी स्पीकर फोन पर मुरली सुन सकते थे। फिर आपका ऑपरेशन होते हुए भी आपने मुरली क्लास में आके बैठना क्यों पसंद किया, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैंने दादी जी से प्रश्न फ्रेंकली पूछा, तो दादी जी ने कहा कि ललित, ये जो मन है ना, ये बड़ा चालाक है, बहुत होशियार ये मन। अगर इसको आज मैं ये बहाना दे देती कि आंखों का ऑपरेशन हुआ है इसलिए क्लास में नहीं जाके रूम में या ऑफिस में ही बैठ जावे, क्लास में जाने की जरूरत नहीं है कि आंखों का ऑपरेशन हुआ है, तो आज मैं उसको बहाना देती ना तो कल उसको और एक नया बहाना मिल जाता, परसों उसको और नया कि आज तो मैं थकी हुई हूँ, आज तो थोड़ा लेट उठी हूँ, आज तो थोड़ा शरीर दुख रहा है, आज तो थोड़ा बुखार है,
आज तो थोड़ा ऑफिस का काम है तो मैं पहले ऑफिस में जाऊं, इस प्रकार से उसको कोई न कोई और बहाना मिल जाएगा और वह मुरली क्लास स्किप करना शुरू कर देगा। इसलिए मन को जो है दृढ़ता के साथ नियमों पर चलाते हैं तो हमें अलर्ट और हम एक्टिव रह सकते हैं, और वो दृढ़ता आती है हमारे सकारात्मक और पावरफुल संकल्पों के द्वारा। दूसरा, दिनचर्या। जैसे शरीर की दिनचर्या बनी हुई है, बाबा ने कई बार मुरलियों में हमको बोला है कि हमको अपनी दिनचर्या बना के रखनी है, मन की दिनचर्या, बुद्धि की दिनचर्या भी बना के रखनी है कि मुझे सारे दिन में किस प्रकार से कितना समय बैठकर मेडिटेशन करना है, कितना समय वाचन करना है, कितना समय मुझे स्वमान का अभ्यास करना है, या किस प्रकार से मुझे कोई आता है तो उसे ज्ञान सुनाना है, उसको इम्पावर्ड करना है। इस प्रकार से हमारे मन की दिनचर्या भी बनी हुई हो, हम डेली चार्ट रखते हों तो उससे हमको पता चलेगा कि हमारी जो मन की दिनचर्या है वह भी ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। उसको मनचर्या बोलते हैं, तो मनचर्या ठीक चल रही है या नहीं चल रही है वो हमें तब पता लगता है। तो ये दिनचर्या भी हमारी ठीक होनी चाहिए। और तीसरा है हमारा व्यायाम, एक्सरसाइज। तो अगर हम जैसे आज की मुरली में ही था कि कैसे हमको शरीर का, बाबा जैसे कहते हैं ना कसरत कराते थे, तो उस प्रकार से मन की भी कसरत हमको करनी है। और मन की क्या कसरत करनी है हमको, बाबा ने दौड़ी लगाने को बोला है। बहुत बार बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें रेस में नंबर वन लेना है, रेस लगानी है। तो रेस में कहीं कोई मंजिल होती है जहां पर टच करके हमको रिटर्न होना होता है। तो अभी हमारे लिए कौन सी रेस है मन की, हमें मन से बार बार अपने परम धाम में जाकर बाबा से विशेष किरणें लेकर वापिस इस शरीर में आना है। ये रेस हमें लगानी है। तो दिन में कई बार अगर हम ये रेस करेंगे तो हमारा मन बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा। जैसे मोटे शरीर वाले को वॉकिंग करने के लिए कहते हैं, इसी प्रकार मोटी बुद्धि वाले को ये मन की रेस लगाने को कहते हैं। अगर मन की रेस हम करते रहेंगे तो हमारी मोटी बुद्धि जो है वो महीन बुद्धि, विशाल बुद्धि, दिव्य बुद्धि बन जाएगी, देवी बुद्धि बन जाएगी। तो ये मन की हमको रेस, मन के व्यायाम। और दूसरा, शुभ संकल्प। सदा ही सभी के लिए हमारे मन में शुभ संकल्प हो। हम सदा ही, चाहे कोई हमारा अपमान भी कर दे, चाहे कोई हमें इंसल्ट भी कर देवे, या हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं करें, हमारे इच्छा के विरुद्ध कुछ करें, हमको कुछ नुकसान भी पहुंचा देवे, तो भी हमें क्या करना है, हमें सदा ही उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। तो ये हमारे मन की व्यायाम, अलग अलग शक्तियों का अभ्यास, अलग अलग स्वमान का अभ्यास, जिस प्रकार की सिचुएशन हमारे सामने आती है, जो काम हम करते हैं उस काम में जो परिस्थितियां हमारे सामने आती है उसके अनुकूल हम अपने लिए व्यायाम, मन के व्यायाम निश्चित करके उसका अभ्यास करें। लेकिन ये करना पड़ेगा। सुना तो बहुत बार आपने भी है, हमने भी है, लेकिन ये करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है कि ये हमको करना पड़ेगा। और दूसरा, अभी मैं आपको तीन पॉइंट देता हूं जो भी हमको रतन मोहिनी जी, दादी जी ने दिए हैं युवा रहने के लिए। एक बार एक यूथ विंग की मीटिंग में हम गए हुए थे तो दादी जी से पर्सनल मुलाकात कर रहे थे कुछ यूथ कमिटी मेंबर्स बैठकर। तो हमने दादी जी को पूछा कि दादी जी आप सदा युवा ये कैसे रह सकते हैं, इस एज में भी आप एकदम एक्टिव और अलर्ट हैं, इसके पीछे क्या राज है वो आप हमको समझाइए। तो दादी जी ने तीन फॉर्मूला दिया उसके लिए।
कि ये तीन बातें सदा मेरे मन में रहती है, इसलिए मैं एक्टिव और अलर्ट रहती हूँ। वो पहली बात थी कि दादी कहती मैं सदा यही सोचती हूँ कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं भगवान का बच्चा हूँ। अब आप देखिए बच्चे की उम्र क्या होती है, भले दादी की शारीरिक उम्र उस समय 80 साल थी, लेकिन बच्चे की उम्र तो 8-10 साल होती है, तो वही दादी समझती कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, तो वो 8-10 साल की उम्र समझ के अपने आप को उसी प्रकार से चलाती है। तो ये हो गया एक कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, ये सदा ही हमको याद रहे, मैं सेंटर इंचार्ज हूँ या मैं डिपार्टमेंट हेड हूँ या मैं जनरल मैनेजर हूँ या मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, वो सब नहीं, लेकिन विशेष रूप से यही याद रहे कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। ये बच्चे की स्मृति हमको बहुत ही आगे बढ़ाएगी। दूसरा, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। अब स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट तो यंग एज ही होती है, पढ़ाई पढ़ते हैं, तो हमको तो बाबा ने क्या कहा, जब तक संगम चलना है तब तक बाबा पढ़ाता रहेगा, तो हम तो स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट माना युवा, तो हम सदा युवा रहें, उसके लिए ये मानसिकता हमारी हो कि हम स्टूडेंट हैं। जो ये समझ लेता है कि मैंने सब कुछ सीख लिया, वो बूढ़ा हो जाता है, शरीर की उम्र कुछ भी हो, लेकिन जिसका मन में ये आ गया कि हाँ मैंने सब कुछ सीख लिया, वो बूढ़ा हो जाता है। गुजराती में MBA का फुल फॉर्म होता है मने बधु आवड़े, ये गुजराती में कहते हैं MBA को, यानी मुझे सब आता है, मतलब वो बूढ़ा हो गया समझ लीजिए। हमारी जानकी दादी जी 103-104 साल की उम्र में भी सीखने का रक्ष रखती थी, कुछ न कुछ सीखती रहती थी। तो ये दादी जी ने दूसरा फॉर्मूला दिया, और तीसरा फॉर्मूला दिया कि मैं अथक सेवाधारी हूँ, और सेवाधारी तो सदा ही युवा होता है, उसको तो हर समय सेवा में उपस्थित रहना है, चाहे बाबा ने मुरली में आदेश दिया हो, चाहे सेंटर पर इंचार्ज बहन ने कहा हो, चाहे कहीं से भी हमें कोई भी सेवा का ऑफर मिला हुआ हो, तो हम सदा ही सेवाधारी हैं। सेवाधारी मतलब हम युवा हैं, और युवा हमेशा ही सेवाधारी रहेगा। तो ये मन की कुछ बातें हैं कि इन मन की बातों को अगर हम अपने मन में सदा ही याद रखते हैं, इनकी स्मृति हमारे निरंतर हमारे सामने रहती है, तो हम अपने मन से सदा ही चुस्त यानी एक्टिव और अलर्ट रह सकते हैं। लेकिन मूल बात मैंने अपने जीवन में जो देखा है वो है जीवन का उद्देश्य। इस ईश्वरीय जीवन का उद्देश्य भी हमारे सामने अगर क्रिस्टल क्लियर है, लक्ष्मी नारायण बनना है, ये जनरल बात में हम हाँ कर देते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन एक विजन हमारे सामने क्लियर हो कि मुझे लक्ष्मी बनना है तो मुझे क्या क्या करना है, मुझे नारायण बनना है तो मुझे क्या क्या करना है, या मुझे और कुछ बनना है तो मुझे क्या क्या करना है, ये लक्ष्य अगर हमारा क्लियर होगा तो आप देखिए कि कैसे एक्टिव और अलर्टनेस हमारे में आती है। मेरा समय हो चुका है, मैं अंत में दो पंक्तियां सुनाकर पूरा करूंगा, फिर 2-4 मिनट हैं, किसी को कोई प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं, ये दो लाइनें सुनाकर मैं पूरा करता हूं। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। अच्छा, ओम शांति।